और ये होता है जब आप कोई अननोन शख्स के भरोसे पे कहीं कुछ कर देते हो अननोन जगह पर। ये होता है जब भी रोज तो होटलों में और घरों में मजबूत नहा लेते हैं, लेकिन जब आउट स्टेशन आते तो यही रूल रहता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ संजीत और हमारा चैनल संजीत सुरेश ब्लॉग्स। खोपोली हम लोग अभी पहुँचे और ये खालापुर करके कोई जगह है विनायक के जिसने हमें बताया है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसी है जगह। और ये हमारा एंटायर ग्रुप है जो बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें हम चार लोग हैं। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसी भी कोई जगह है बीच हाईवे में। ऐसे हमारे बहुत भाई ट्रैवल करते हैं और पता नहीं होता, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर खाने के लिए क्या 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 आपको मिलेगा करके। मैंने चाय लिया है और जीजा जी ने कॉफ़ी, इसने भी कॉफ़ी। इस रोड से वैसे तो बहुत टाइम ट्रैवल किया है बट कभी ये जगह के बारे में पता नहीं लगा। ये है जब आप गूगल मैप पे ज़्यादा हद से ज़्यादा भरोसा कर लेते हो। एसयूवी नहीं होती ना कार, और ये कोई हैचबैक होती या सेडान होती तो हम लोगों को क्रेन बुलाना ही पड़ता। अभी जाके हम लोग को अच्छा रोड मिला है, थैंक गॉड। आईना अभी आईना देखा यहाँ पे। पता नहीं कहाँ पे हम लोग कौन से जंगल में घूम गए, मैप ना नेटवर्क आ रहा है किसी के फोन में। ये रोड का कंडीशन देखो, ऐसा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ लिखा हुआ है इसमें, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। उर्दू में लिखा है, अरबी में लिखा है, कौन से लैंग्वेज में, मलयालम में लिखा है। आराम से, अरे क्या डर रहा है।
पहुंच गए, 10-15 किलोमीटर बाकी है। अभी भी हम लोग कोई जंगल के अंदर ही है, पता नहीं कहाँ पे कौन सा जंगल है। और ये पीछे चिल करते हुए और ये ड्राइविंग करते हुए मशक्कत है बहुत। यहाँ पे चढ़ना नहीं पड़ता है, मोस्टली हर टेंपल में ऊपर चढ़ना होता है, बट यहाँ पे नीचे उतरना है। सो ये है यहाँ पे पार्किंग लॉट, अगर आप कार से या किसी चीज़ से आते हो सो यहाँ पे आप कार आपकी पार्क करके यहाँ से आगे जाना होता है। आपको अगर आने के बाद नहाना है तो यहाँ पे पूछ रहे नहाने के लिए, बट मैं तो नहा के निकला था घर से, बट मेरे फ्रेंड्स लोगों को नहाना है तो वो लोग यहाँ पे शायद नहाने वाले हैं, तो मैं बताता हूँ क्या कॉस्टिंग होगा, कहाँ पे क्या होगा, क्या नहीं होगा खाने के लिए, क्या एंड ऑल एवरीथिंग। ऑलराइट, सो हम लोग आ गए हैं, भीमा शंकर का ये मेन एंट्रेंस है और यहाँ से स्टेप्स है, स्टेप्स नीचे उतर के जाना है और उसके बाद आगे जैसे जैसा होगा मैं अपडेट बताते रहूँगा आगे वीडियो में। सो वीडियो को स्किप ना करके देखें तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कैसे यहाँ से जाना है और कहाँ पे आपको क्या क्या देखने मिलेगा। ग्रीन वाला जा रहे थे ऊपर, मार ओप्पो कैमरा थे उसकी आईफोन में। अरे वो कबूतर है, ग्रीन कलर का कलर मार के छोड़ा है ग्रीन कलर का। यहाँ पे डस्टबिन होने के बावजूद भी लोगों ने इतना यहाँ पे कचरा फैला रखा है। अब वेस्ट ऐसे फेंकना नहीं चाहिए, इतने खूबसूरत जगह को लोगों ने ऐसे, ये सब देखो पानी पी के बॉटल, डस्टबिन बाजू में ही है बट नहीं, किसी को करना ही नहीं है। यहाँ पे पीछे भी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पता नहीं क्या बन रहा है बट चल रहा है, कुछ बन रहा है और बनने के बाद जो यहाँ पे ब्यूटीफुल दिखेगा ना, ये पूरा टेंपल एक्चुअल में अंडर कंस्ट्रक्शन। मंदिर के ठीक बाजू में यहाँ पे एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम भी है कैश विड्रॉल के लिए। सारा कुछ यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है एक्चुअली में, यहाँ पे अस्क हो गया है। यहाँ पे किसी ने मेरे फ्रेंड्स को बताया था कि नीचे मंदिर के यहाँ पर ही नहाने के लिए जगह है और यहाँ पे आने के बाद पता चला ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब क्या हुआ है कि यहाँ पे नीचे एक कुआ है, वेल, जिसमें पानी निकाल के नहा सकते हैं और उसके लिए वहाँ जाने के लिए रास्ता इतना कठिन है कि डर लग रहा है कि उस साइड कैसे जाऊँ। ये है ओके,
बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है ये, स्मशान भूमि है शायद। भगवान शंकर स्मशान में रहना पसंद करते थे। ये वो कुआ है, और ये होता है जब आप कोई अननोन शख्स के भरोसे पे कहीं कुछ कर देते हो अननोन जगह पर। ये होता है जब भी रोज तो होटलों में और घरों में मजबूत नहा लेते हैं, लेकिन जब आउट स्टेशन आते तो यही रूल रहता है। ये तो ये है कि जो ऊपर वाले बोले कि नीचे फाइव स्टार होटल लेने के लिए, यही था वो। और लकीली मैं नहा के आया था तो मैं बच गया, मुझे सिर्फ मुंह हाथ धोना है। ये बहाना सुनो। हाँ, क्या बहाना बता रहे थे आप? ये है ग्राउंड वाटर, ये इधर का ओन ओरिजिन है पानी के। सो हमें यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया क्योंकि कैमरा अलाउ नहीं है, तो अंदर टेम्पल के कैमरा लेके हम जा नहीं पाए, बट स्टिल बाहर से आपको दिखाते हैं। फाइनली हम लोगों ने एक पुजारी जी से पूछ के अंदर का तो शूट करने के लिए अलाउ नहीं किया, स्टिल हम लोगों ने जो मंदिर का सराउंडिंग है वो शूट करने का परमिशन ले लिया है कि मतलब जो यहाँ पे विज़िट नहीं कर पा रहे कोविड सिचुएशन के वजह से, उनके लिए ये वीडियो के थ्रू दर्शन हो पाए, मतलब अंदर के नहीं बट सराउंडिंग हमने परमिशन ले लिया। तो ये दिखाते हैं शनि भगवान का मंदिर है यहाँ पर। यहाँ पे तो सब अभी काम चल रहा है मंदिर का, और वहाँ पे जो ज्योतिर्लिंग है उसकी स्थापना वहाँ पर हुई है सामने आप देख पा रहे हैं, और ऊपर कैमरा है वहाँ पर आप लाइव दर्शन ले सकते हैं। लोग अभी कोई घाट पे है, पता नहीं है कौन सा डैम है, बट जो भी है बहुत ब्यूटीफुल है। दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है भाई, यहाँ पे भी टोर्नेडो देखा हमने, बट अब वो दिख नहीं रहा। अभी ग्रीनरी आ गई ना बीच में। हाँ वो देखो दिख रहा है, गोल गोल घूम रहा है अभी है। अभी हम लोग रुके मालशेत घाट में और कांगड़ी। हम लोग अभी रुके हैं होटल समाधान पे, और
यहाँ पे हमारा प्लान है कुछ खाने का, तो दिखाता हूँ यहाँ पे यहाँ का मेन्यू क्या है और यहाँ पे क्या क्या स्पेशल है। जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ अलग प्राइस, बट इसका शेप अच्छा है। पिछले वाले में क्या था, डायमंड बॉटल था पिछले वाले में, दिखाएंगे। Empire. क्या था वो बॉटल का नाम? एम्पायर बॉटल, पानी के बॉटल का नाम है एम्पायर। बना रहा हूँ, लगा लो। सो फाइनली हमारा खाना आ गया है। ज़्यादा हैवी फूड नहीं, लाइट फूड हम लोग ने प्रेफर किया है। ये लाइट फूड है? हाँ, लाइट ही है। इट इज वेरी लाइट, वेरी लाइट, वेरी लाइट। सुबह खाए थे उससे तो बहुत ज़्यादा ही लाइट है, बहुत लाइट। तो दाल खिचड़ी एंड ये वेज बिरयानी और यहाँ पे सलाद कर्ड, दैट्स इट। और अपना क्लियर तो स्माइल विद आईज है। इसको दो बार गाड़ी चलाते चलाते सोया है, अब ये खाने के बाद क्या होगा पता नहीं। ब्लॉग अपलोड होने वाला है या नहीं वो भी नहीं पता। ब्लॉग अपलोड होगा या नहीं वो भी पता नहीं, क्योंकि ये गाड़ी सो के चला रहा है। गाड़ी इसको चला रही है, गाड़ी को नहीं पता। नहीं क्या हम चारों भी अपलोड हो सकते हैं? हो सकता है हम चारों भी अपलोड हो जाए, अपलोड हो सकते ऊपर। खाना हो गया है, पेट बहुत ज़्यादा वाला भर गया है, बहुत ज़्यादा वाला मतलब पेट आ गया है। वो पहले से नहीं था, सबको पता है मेरा पेट तो नहीं है, पहले से नहीं था। खाना का क्या है, और अभी हम लोग कुछ नया करने वाले हैं, अब वीडियो में दिखाएंगे क्या करने वाले हैं। और यहाँ रही बात खाने की, खाना ऑसम। इस होटल का नाम है समाधान होटल का नाम है, और खाना खा के हमें समाधान हुआ है एक्चुअली में, सची में। मतलब आप कहीं आउटिंग के लिए जाते हो, ट्रिप पर जाते हो ना, तो जो रोड साइड में जो ढाबे के अलावा कुछ जो ऐसे होटल वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे खाने का टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता है, लिटरली स्पीकिंग इतना अच्छा टेस्ट कहीं नहीं होता है। तो खाना वॉज ऑसम, बहुत अच्छा लगा। अब बढ़ते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट के तरफ, चलिए शुरू करते हैं। लिपस्टिक काली वाली, इसको डालने से आएगा झाग। हटाओ, रुको रुको, पहले अच्छे से क्रश कर। संतरा तो निचोड़ने दो अच्छे से, पहले निचोड़ लिया। अभी काली डाल, काली भी नहीं डाल, काली लिपस्टिक, काली लिपस्टिक की बारी है। जूम जूम जूम, कमान, काली लिपस्टिक डालते ही ये भड़क जाता है, पता नहीं। निकला इधर चौपड़ी का, इधर देख। Okay, so I am ending this vlog here. Thank you for watching my video. Please subscribe to my channel. अगर आपको ऐसे कुछ लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए मेरे वीडियोज़ पे, तो मुझे बताइए ताकि मैं इम्प्रूव कर पाऊँ अपने आप को। कोशिश कर रहा हूँ, मेरा नया चैनल है, तो इस पर बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत होगी, और वो मुझे पता चलेगी आपके कमेंट्स के द्वारा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ मैं, क्या नहीं। ओके, सो बाय फॉर नाउ, सी ऑन my next vlog. इसलिए पीछे एक प्राइवेट सीट है जो सिर्फ संजीत का है, जिसके पास सिर्फ 12 प्रो है उसको ही ये एलिजिबिलिटी है पीछे का, फर्स्ट क्लास ऊपर एसी भी है इसके अंदर। लाइकी है तो यार, आप चले गए कहीं। चल, गुड नाइट, सो जा।